बुधवार को आगरा के एक होटल में चल रहे 2 दिवसीय कोल्ड चेन सेमिनार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भाग लिया। इस सेमिनार में 15 राज्यों के 700 से अधिक शीतगृह स्वामियों ने भाग लिया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बुधवार को आगरा पहुंचे। फतेहाबाद रोड पर स्थित एक होटल क्लार्क सिराज में चल रहे 2 दिवसीय कोल्ड चेन सेमिनार में भाग लिया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है, भारत सभी क्षेत्रों के नंबर वन का स्थान प्राप्त कर सकता है। इस विश्वास के साथ हमारी सरकार हर वो काम कर रही है जिससे देश आगे बढ़े। किसान के पसीने बहाने की मेहनत उसको मिले तब किसान खुश होता है। वही केशव मौर्य ने पार्टी के कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। मैं सबसे पहले तो प्रदेश की जनता का और जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन किया और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में के इतिहास में यह सबसे बड़ी विजय प्राप्त किया। विजयी सभी हमारे जो उच्च सदन के सदस्य निर्वाचित घोषित हो गए हैं उनको सबको हृदय से बधाई दे दी। केशव जी, आज आपने एक ट्वीट भी किया था जिसमें आपने लिखा था कि सपा अब सफा। मैं कोई गलत किया नहीं हूँ? अगर आप इस चुनाव को अगर आप देख रहे हैं विधान परिषद के, तो सपा हो गई। मैं चुनाव के समय भी कह रहा था सपा समाप्तवादी पार्टी हो रही है, तो वो तो लगभग हो ही गई थी। जो भी परिस्थितियाँ जैसी भी बनी, वह जरूर विधानसभा में 2017 की तुलना में कुछ अधिक सदस्य जीत करके आ गए, लेकिन जनता का जो विश्वास और भरोसा समाजवादी पार्टी को जीतना चाहिए था, ना वो सत्ता में रहकर जीत पाए थे और ना विपक्ष में रहकर के जीत पाए और ना भविष्य में जीत पाएंगे। हम लोग ईमानदारी से जनता की सेवा करते हैं, गुंडे अपराधी और माफियाओं के खिलाफ बिना भेदभाव के कठोरता से कार्रवाई करते हैं और उत्तर प्रदेश का भ्रष्टाचार मुक्त विकास करते हैं। क्या विजय रथ कहाँ जाकर होगा भाजपा का? देखिए, विजय रथ तो अब चल रहा है, रुकने का कोई स्थान ही नहीं है, चलता रहे। ग्रामीण विकास के लिए क्या योजना है? ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए क्या योजना है? देखिए, किसानों के लिए तो योजनाओं का अंबार लगा हुआ है और वही योजनाओं को लेकर के आज का ये जो कार्यक्रम जिसमें मैं आया हूँ वह किसानों और कृषि से जुड़ा हुआ ही विषय है। और कृषि से जुड़े हुए विषय, जैसे मैंने बताया अभी कि लगभग 1,00,000 करोड़ के लागत की किसानों की उपज बर्बाद हो जाती है अगर हमारे पास कोल्ड चेन और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था ठीक हो, तो यह 1,00,000 करोड़ रुपये मेरे किसानों की जेब में पहुँच सकता है। उसके लिए सरकार ने गंभीरता से चिंतन किया है, आने वाले समय में व्यवस्था करेंगे। फेडरेशन के लोगों को हमने लखनऊ भी आमंत्रित किया। मैंने तो पहले ही कहा कि पहले इनकम टैक्स की तरह गुंडा टैक्स वसूला जाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुंडा टैक्स वसूलने की कौन कहे, वो अपने तख्ती लगा के जा रहे हैं कि हमको जेल भेज दो। मतलब ये शासन का भय अपराधियों के मन में होना चाहिए और वो है, और जो अपराध करेगा उसके साथ कठोरता से निपटेंगे। ट्विटर पे चालू हो गए हैं वो विपक्ष की भूमिका के, मैं ट्विटर पे ही आ गए हैं, तो क्या लगता है कि वो विपक्ष का रोल निभाएंगे? ये तो श्री अखिलेश यादव जी से पूछिए। वैसे श्री अखिलेश यादव जी के लिए मैंने पहले ही कहा था वो ना सत्ता के लायक है ना विपक्ष के लायक। केशव जी, अन्य सरकारों कांग्रेस सरकारों में लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, क्या बोलेंगे इसको लेकर? देखिए, हमारी कोशिश यही है कि हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के अंदर आपसी सौहार्द बना रहे, चाहे वह